श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मंदोदरी श्री महाप्राण कथा का सातवें दिन था। आज सातवें दिन की कथा में गुरुजी ने पांच ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। पांचों उपायों को हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले गुरुजी की अगली कथा जो है वो काशी में रहेगी 10 तारीख से और आस्था चैनल यूट्यूब फेसबुक पर आएगी 1 बजे से 4 बजे के बीच में, तो हम इनका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए चलते हैं पहले उपाय की तरफ। कभी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा संकट है, विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो आपको क्या करना है, लाल चंदन को घिस लेना है, लाल चंदन का चंदन बना लेना है। इसके बाद शिव मंदिर में उस लाल चंदन से पूरी शिवलिंग का अच्छी तरीके से अपने दोनों हाथों से लेपन कीजिएगा और फिर एक लोटा साफ जल, शुद्ध जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मन का स्मरण करना है। कितना भी भारी संकट क्यों ना होगा, टल जाएगा। अगला दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है जो कि संतान सुख के लिए है। अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, संतान प्राप्त नहीं हो रही है तो क्या करना है आपको? सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो शिवलिंग जलाधारी से आ रहे जल का थोड़ा सा जल का भाग लेकर आपको आचमन करना है, फिर अपने हाथ धो लेना है। इसके बाद फिर से एक लोटा साफ जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मन का स्मरण करना है। इसके बाद जो लाल चंदन आता है उसका आपको लेप तैयार कर लेना है और फिर वो लाल चंदन को आपको पूरी शिवलिंग में, पीठिका में, जगत जननी के हस्तकमल जो गोलकटी भाग होता है, पीठिका होती है, उसके ऊपर भी आपको लाल चंदन का लेपन करना है। इसके बाद एक लोटा साफ जल आपको शुद्ध जल समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको उसी लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना है, चाहो तो आप त्रिपुंड बना दीजिए। और इसके बाद आपको एक बेलपत्ती लेना है, उसमें जो नीचे वाली दो पत्ती हैं उसमें आपको लाल चंदन लगाना है और जो ऊपर वाली बीच की पत्ती होती है उसमें आपको पीला चंदन लगाना है और उस बेलपत्र को अपनी कामना करके बाबा पर समर्पित कर दीजिए। ये उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं, प्रदोष के दिन कीजिए या 5 सोमवार कंटिन्यू कीजिए। गुरुजी ने बताया नहीं है कि उपाय कब करना है, पर जो खास दिन शिव जी के होते हैं वो यही होते हैं और आप जो मासिक शिवरात्रि आती है उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगला तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि जिन लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है पर रिश्ता कहीं जम नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, इसी लाल चंदन की आपको 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है और फिर उसी 7 बिंदी पर आपको 7 बेलपत्र समर्पित कर देना है। 3-4 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। अगला चौथा उपाय गुरुजी ने बताया है, यदि रोग बढ़ रहे हैं, बीमारी ने घेर रखा है, तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाना प्रारंभ कर देना है। साथ में एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और जो जलाधारी से आ रहे जल का आचमन करना है। कुंतकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कीजिएगा। अगला पांचवा उपाय गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया है। उन्होंने कहा है कि कर्जा, यदि आपको कभी कर्जा लेने की जरूरत भी पड़ गई है, तो आप शिव मंदिर जाइए, महादेव के चरणों में जाइए और उनसे विनती कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, 7 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। एक लोटा जल चढ़ाइए सबसे पहले, इसके बाद एक बेलपत्र चढ़ाइए और एक घी का दिया लगाइए। 7 दिन तक लगातार आपको एक घी का दिया शिव मंदिर में लगाना है और बेलपत्र चढ़ाना है। फिर वहां से आपको एक बेलपत्र लेकर आइए और उनसे निवेदन कीजिए कि मुझे कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े बाबा और मेरा काम हो जाए। आप ये उपाय सोमवार से सोमवार तक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।